अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज्योग्राफी ए टू जेड। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीजनल वेरिएशंस में इन्वॉल्व हैं, मींस अर्थ प्लैनेट के ऊपर कैसे कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी स्प्रिंग और कभी ऑटम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले जो व्यूअर्स यहाँ पे नए आए हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। सीजनल वेरिएशन के लिए दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे कि इससे पहले हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में डिस्कस किया था कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट में चेंज आता है, तो इसी तरह जब अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है तो इस रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होती हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अर्थ जब रोटेशन करता है तो अगर आप इसके रोटेशन को देखें ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, मींस अर्थ 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से अगर आप लें तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, मीन्स अगर आप इसको मेजर करें तो ये 23.5 डिग्री है। तो अर्थ एक्चुअली 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है और ये एक मेन रीजन है सीजन्स के चेंज होने में, मीन्स कि अगर अर्थ टिल्ट ना होता तो ये सीजन्स चेंज ना होती और अर्थ के ऊपर एक ही सीजन रहता। और थर्ड पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स में डिस्कस किया था कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 equal halves मींस इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो लाइन है, जो लैटिट्यूड है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर जो लैटिट्यूड है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। अब आपने ये तीनों पॉइंट जहन में रखने हैं। फर्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, सेकंड इज इट्स टिल्ट ऑन 23.5 डिग्री, थर्ड इज दीज इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब अगर अर्थ यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट करें तो जैसे कि अर्थ टिल्ट है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन के सामने है और सन रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ये आप जहन में रखें कि जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी इट मींस कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप जहन में रखें कि ये जो टिल्ट है अर्थ का, जब अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है तो ये टिल्ट मूवमेंट नहीं करता, मींस अर्थ एट अ टाइम रोटेशन भी करता है रेवोल्यूशन भी करता है लेकिन ये टिल्ट जो है ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है यहाँ पे अब ऐसे इसका टिल्ट है तो जब थोड़ा सा ये मूव करेगा तो ये टिल्ट चेंज नहीं होगा, टिल्ट सेम रहेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, लॉन्ग डेज चल रही है और शॉर्ट नाइट्स चल रही है और इस ऑर्बिट में रेवोल्यूशन के दौरान एक टाइम ऐसे आता है जब सन बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर के सामने हो, मींस इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती है और ये साल में 2 बार ऐसे होता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है क्योंकि अब हम जा रहे हैं विंटर की तरफ, विंटर से पहले ऑटम आता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि सन रेज डायरेक्ट पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर और अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर स्टार्ट हो गया जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्ट डेज और लॉन्ग नाइट्स चल रही हैं जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसके ऑपोजिट है। इसके बाद एक टाइम ऐसे आएगा कि सन रेज डायरेक्ट फिर पड़ेंगी इक्वेटर के ऊपर, मींस पहले ऑटम था और अब यहाँ पे स्प्रिंग है क्योंकि इसके बाद समर स्टार्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
अब इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन है। एक बात और आप यहाँ पे समझ लें कि ये जो अर्थ रेवोल्यूशन करता है तो ये ऑर्बिट जो है ये एक्चुअली सर्कुलर नहीं है बल्कि ये एलिप्टिकल है, जिसमें अर्थ एक टाइम ऐसे आता है जब सन के बहुत ज्यादा करीब होता है और एक टाइम ऐसे आता है जब सन के थोड़ा सा दूर होता है कंपैरेटिवली। तो इसको हम पेरिहेलियन और एपहेलियन कहते हैं, लेकिन इसका सीजन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सीजनल वेरिएशंस के लिए आपने रेवोल्यूशन, टिल्ट और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को जहन में रखना है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।